नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। समीपस्थ नांदगांव पेट थाना क्षेत्र के MIDC क्षेत्र में चल रही रतन इंडिया बुल्स नामक कंपनी पर अपने कर्मचारियों के शोषण का आरोप पहले भी लग चुका है। बुधवार को यहां कार्यरत कर्मचारियों को शासन के नियमानुसार वेतन वृद्धि नहीं किए जाने के खिलाफ काम बंद आंदोलन प्रारंभ किया गया। कर्मचारियों ने उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि रतन इंडिया बुल्स कंपनी में स्थानीय निवासियों को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, इसके बावजूद 80% कर्मचारी परप्रांतीय है, जबकि स्थानीय नागरिकों को कम वेतन का सुरक्षा रक्षक पद दिया गया है, जिसके चलते शासन नियमों के मुताबिक वेतन को लेकर सेना के नेतृत्व में काम बंद आंदोलन प्रारंभ किया है। हमेशा ही आगजनी की वारदातें होने के समाचार या तो हम प्रसार माध्यम के जरिए या फिर किसी बड़े चैनल के जरिए अक्सर देखते या सुनते आ रहे हैं। कभी छूटपुट तो कभी भयंकर आग का नजरिया आम इंसान की आंखों के सामने आग बबूला करने वाला नजर आता है, जिससे जनसामान्य नागरिक दहशत के साए में अब तो वाकई में नजर आने लगे हैं। अभी इस वहशी अग्निकांड की आग ठंडी भी नहीं हुई तो वही नए साल की पूर्व संध्या पर मुंबई के वर्ली में लगी आग की दस्तक अभी जो के त्यों कायम है। वही महाराष्ट्र के अमरावती शहर में लगी भयंकर आग ने शहर में हाहाकार मचा दिया है। बता दे कि मुंबई में हुई आगजनी में 4 युवतियों समेत लाखों का माल जलकर खाक हो गया था। वहीं दूसरी ओर अमरावती में हुए इस अग्निकांड में समाचार लिखे जाने तक कोई जनहानि नहीं होने की खबर है। वर्ष 1929 में आजाद हिंद सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के हाथों पुरातन काल लाल कवेलो वाली स्कूल और वर्तमान में नेहरू मैदान लाल स्कूल के नाम से प्रचलित इस स्कूल बुधवार की शाम करीब 7:45 आग लगने की खबर हवा की तरफ फैली, जिसके बाद दमकल विभाग को यह खबर फैलते ही दमकल विभाग पुलिस विभाग सख्ते में आ गया। पर इस भीषण अग्निकांड की तरफ जहां जनसामान्य नागरिकों का ध्यान गया तो दूसरी ओर संबंधित प्रशासन फिर एक बार अपनी लापरवाही का शिकार बनता हुआ नजर आया। अमरावती शहर का शैक्षणिक इतिहास जलकर खाक हो गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन, हम आपको बताएंगे वो 6 नाम। क्या यह जिम्मेदारी लेंगे इस भीषण अग्निकांड की, या फिर यूं ही शहर की धरोहर खाक होते रहेगी। अमरावती शहर कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले राजकमल चौक स्थित टाउन हॉल के बाजू में अमरावती मनपा की स्कूल लाल शाला नेहरू मैदान में शाम को लगी आग के गुब्बारे में निरंतर काफी घंटों तक आग उगलती रही। इस आगजनी में किसी के जानहानि का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन शहर की पौराणिक शैक्षणिक धरोहर को नुकसान जरूर हुआ है। अमरावती शहर का शैक्षणिक इतिहास जलकर खाक हो गया, इससे नकारा नहीं जा सकता। क्या इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है या फिर उबले हुए पानी में आलू। स्कूल के ठीक बाजू में निजी आभूषणों का भव्य दालान है। इसी के बाजू में कपड़ों और खिलौनों से लेस एक शोरूम है। सामने सरकारी बैंक के अलावा कई छोटे मोटे दुकान भी है। अगर लापरवाही के चलते यहाँ कुछ होता है तो उसका जिम्मा कौन लेगा, यह सारे सवाल कटघरे में खड़े हैं। हम VCN न्यूज चैनल के माध्यम से आपको हर रोज बताएंगे उस विभाग का नाम, प्रशासन का नाम जो सामने आएगा। हमारे संवाददाता कुशल लोटे, शहबाज खान, शफीक अहमद की आगजनी की एक खास रिपोर्ट, नीलेश ठाकरे, संजय श्रीवास की कलम से VCN न्यूज ब्यूरो अमरावती। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि आगामी 2019 में होने वाले आम चुनावों के बाद भाजपा तथा शिवसेना एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसा प्रतिपादन राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने किया।
वे बुधवार को विभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा पर अनेकों बार गठबंधन तोड़ने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन यह मात्र अफवाहें थी। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार 31 अक्टूबर 2019 का पुनर्शपथ। वही उन्होंने विदर्भ में हुई अकाली बारिश को लेकर किसानों की फसल के नुकसान पर पूछे गए सवालों में कहा कि वास्तव में किसानों का नुकसान है। कई भागों का सर्वेक्षण शुरू होने, नुकसानग्रस्त क्षेत्रों के पंचनामा होने के साथ ही आर्थिक नुकसान का आंकड़ा जल्द ही घोषित करने की बात भी इस दौरान वित्त मंत्री ने कही। सरकार की भूमिका स्पष्ट है, काही विभागाचे पंचनामे सुरू झाले, साधारणतः या 3 किंवा 4 दिवस सर्व पंचनामे पूर्ण होऊन एक आर्थिक नुकसानीचा आकडा निश्चित होईल आणि बजेट मध्ये जरी तरतूद कमी असली तरी या दृष्टिकोनातून आकस्मिक निधीचं नस्ती तयार करून या सर्व शेतकऱ्यांना त्वरित मदत करण्याच्या सूचना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि अर्थमंत्री म्हणून मी स्वतः व्यक्तिगत रीतीने दिल्या। आमचा प्रयत्न आहे की शेतकरी बांधवांना या गारपिटीची मदत ही वेगाने झाली पाहिजे, ही आमची भावना। बोंडअळीची मदत अजूनपर्यंत मिळालेली नाही आहे, अशा परिस्थितीत कधीपर्यंत ही मदत नेमकी मिळेल? किती दिवसात? बोंडअळीच्या संदर्भात कृषी विभाग काम करत आहे, मला त्याची जाणीव या क्षणाला नाही, पण बोंडअळीच्या संदर्भात मी माहिती घेईन। गारपिटीची मदत वेगाने करावी, त्वरित करावी, पंचनामे पूर्ण करावे आणि त्याच्यासाठी थांबण्याची आवश्यकता पडू नये हे निर्देश मात्र मी दिले। कानून के कड़े नियमों एवं प्रावधानों के बावजूद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं दुष्ट कर्म की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों का गठन किया जाए, ऐसे विविध मांगों का ज्ञापन अमरावती पीस फोरम द्वारा जिलाधीश को सौंपा गया। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि देश में महिलाओं एवं युवतियों को सुरक्षित रखने हेतु कानून व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए कड़े नियम एवं प्रावधान की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में इरफान अथर अली, पूर्व महापौर वंदना कंगाले, देवयानी कर्वे आदियों समेत फोरम के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुझे ये बतलाओ, मुझसे नफरत है किस लिए तुमको, क्या खता है मेरी जरा बोलो, दिल में खंजर उतारते क्यों हो, पेट में मुझको मारते क्यों हो, क्या मुझे हक नहीं है जीने का, तुम कर्मा ही देने का, इल्तिजा है मेरी जरा सुनना, फिर जो चाहे वो फैसला करना, फूल वो खार लग रही हूँ अगर, मैं तुम्हें बार लग रही हूँ अगर, मुझको खाना भी तोल कर देना, अब नहीं है ये बोल कर देना। इन दिनों शहर में अज्ञातों द्वारा मंगलसूत्र झपटमारी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही मंगलसूत्र की वारदातों से अकोला पुलिस भी जूझ रही है। शहर में हो रही मंगलसूत्र झपटमारी की वारदातों में कुछ जानकारी लेने के लिए अकोला पुलिस की एक टीम बुधवार को पुलिस आयुक्तालय पहुंची, जहां इस टीम ने स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक से मुलाकात करते हुए शहर में मंगलसूत्र झपटमारी से जुड़ी जानकारी तथा इन वारदातों को पुराने आरोपियों से जुड़ी जानकारी ली गई। बता दें कि अम्बा नगरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह की मंगलसूत्र झपटमारी की वारदातें हो रही है, ठीक उसी तरह की वारदातें अकोला में भी हो रही है, लेकिन अज्ञात मंगलसूत्र झपटमार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो रहे हैं। अमरावती ही नहीं, अकोला पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रही मंगलसूत्र झपटमारी के आरोपियों को धर दबोचने के लिए पुलिस एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अज्ञात मंगलसूत्र झपटमार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते मंगलवार की रात 8:30 बजे गाड़गे नगर थाना क्षेत्र के कठोरा रिंग रोड से जा रही मच्छीसात निवासी लता सोहा नामक 38 वर्षीय महिला के गले से 10 ग्राम का मंगलसूत्र तथा नकद 1,250 रुपए छीनने की घटना सामने आई है। इन घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर फिर एक बार सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 14 फरवरी को जय महाकाल मित्र मंडल की ओर से शिव विवाह शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण थे शंकर जी, जो एक रथ पर सवार थे। शोभा यात्रा के दौरान बरबसी शंकर जी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। एक बैलगाड़ी पर
शंकर जी शिवलिंग के रूप में विराजमान थे तो दूसरी ओर शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर श्रद्धालु थिरक रहे थे। शिव विवाह की यह शोभा यात्रा राजकमल से प्रारंभ होकर गांधी चौक भूतेश्वर चौक होते हुए बम बम बोले के गजर के साथ रविनगर पहुंची, जहां आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सराफा स्थित संकरेश्वर महादेव मंदिर में विविध धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें बुधवार की सुबह 9 बजे महारुद्र अभिषेक, शाम 4 बजे बाबा महाकाल की बारात, रात विवाह के फेरे एवं गुरुवार को भस्म आरती का आयोजन किया गया। इससे पहले बुधवार की सुबह संकरेश्वर महादेव मंदिर में बाबा महाकाल का महारुद्र अभिषेक किया गया। 21 पंडितों द्वारा यह अभिषेक किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झांकी। यातायात नियमों को तिलांजलि देकर वाहन चालक अपनी मनमानी करने की खबर VCN न्यूज चैनल ने हाल ही में अपने प्रसारण में दिखाई थी, जिस पर यातायात पुलिस की ओर से डेपो चौक स्थित बैरिकेड्स को नियमानुसार लगाया गया, जिससे यहां चल रहे यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब नकेल कसी गई है। ये है VCN न्यूज की खबर का असर। बडनेरा रोड स्थित सिद्धार्थ मंगलम में चल रहे विवाह कार्यक्रम के दौरान नकद पर हाथ साफ करने वाले नाबालिग को लेकर भोपाल गई राजापेट पुलिस की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा है। संभवतः हिरासत में लिए गए नाबालिग के पकड़े जाने की खबर भोपाल स्थित उसके अन्य साथियों तथा परिजनों को लग चुकी थी, जिसके चलते पूरा परिवार घर को ताला लगाकर फरार हो चुका था। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश पुलिस के ओर से भी राजापेट पुलिस को किसी प्रकार की मदद ना मिलने से पुलिस को मायूस होना पड़ा है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के भोपाल का वह क्षेत्र जहां राजापेट पुलिस नाबालिग के अन्य साथियों तथा परिजनों की तलाश में गई थी, वह पूरा क्षेत्र वैसे ही चोरी के आरोपियों से भरा पड़ा है। बीते शनिवार को बडनेरा रोड स्थित सिद्धार्थ मंगलम में चल रहे विवाह कार्यक्रम के दौरान एक नाबालिग द्वारा जेवरात पर हाथ साफ करने का प्रयास करते हुए नाबालिग को विवाह कार्यक्रम में शामिल दौरान युवकों ने पकड़ा था। ठीक इसी तरह की वारदात पिछले दिनों होटल गौरी इन में विवाह कार्यक्रम के दौरान सामने आई थी। इसी मामले में पकड़े गए नाबालिग को साथ लेकर अन्य आरोपियों की तलाश में भोपाल गई राजापेट पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा है। वाहन दुर्घटना में आरोपी बनाए गए एक युवक द्वारा सिर्फ एक बार कोर्ट में उपस्थित होने के बाद पिछले 13 वर्षों से फरार आरोपी को राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम गुंडराव नत्थुजी बावने बताया गया है, जो नागपुर जिले के भिवापुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार वाहन दुर्घटना के मामले में आरोपी बनाए गए गुंडराव बावने वर्ष 2006 से एक बार अदालत में उपस्थित होने के बाद से फरार हो गया था, जिसके चलते कोर्ट ने गुंडराव को फरार घोषित किया था। गुंडराव भिवापुर में छुपे होने की जानकारी राजापेट पुलिस को मिली थी, जिसे राजापेट पुलिस ने अथक प्रयासों से बीते मंगलवार को गिरफ्तार किया। स्थानीय गढ़गड़ेश्वर मार्ग स्थित वीरशैव रुद्रभूमि उद्यान में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इसके लिए वीरशैव उद्यान को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन हेतु भाविकों की भीड़ उमड़ने लगी थी। वीरशैव लिंगायत समाज के अनुयायियों के दिवंगतों का इसी परिसर में दफन भूमि है, जहां दफन क्रिया की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर यहां का वातावरण पूरी तरह धार्मिक भावना से ओतप्रोत देखा गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जबकि शाम में पूरे उद्यान को दीपक की रोशनाई से सजाया गया था।
नेक्स्ट लेवल मॉल में शहर का सबसे बड़ा टेरेस गार्डन, ग्लोबल रेस्टोरेंट अप एंड अबाव जनता के लिए लोकार्पित किया गया। शहर के कैंप रोड स्थित भव्य नेक्स्ट लेवल मॉल के चौथी और पांचवी मंजिल पर बने भव्य ग्लोबल रेस्टोरेंट अप एंड अबाव बुधवार से शहरवासियों की सेवा में लोकार्पित किया गया। अमरावती में जो ऐसा रेस्टोरेंट है, साथ में हम लोग ग्लोबल फूड भी सर्व करते हैं, ठीक है, और साथ में हमारा फास्ट सर्विस भी है, आपको बहुत मजा आएगा। क्या क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी हमारी इधर बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, और हमारी टेरिस है, जहाँ पे टेरिस ओपन टेरिस है, जहाँ पे हम सब कुछ सर्व करते हैं, जिसके फूड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग सब कुछ देते हैं। फाइन डाइनिंग भी हमारे पास, पूल साइड है हमारे पास। पहले ही दिन अप एंड अबाव को भारी प्रतिसाद मिला। यह रेस्टोरेंट 22,000 स्क्वायर फीट की जगह पर बना है, जिसमें 19 प्रशस्त रूम्स का लॉजिंग, टेरेस, पूल, बार एवं ग्लोबल रेस्टोरेंट है, जहां पर प्रशिक्षित 23 शेफ की टीम मुख्य शेफ राजेश दास की देखरेख में प्रॉम्प्ट एवं फास्ट सर्विस दे रही है। यहाँ पे मोस्टली मैंने जितने भी फूड्स के आइटम है सब मोस्टली ग्लोबल फूड डाले, जो यहाँ अमरावती में ना के बराबर है। ये फर्स्ट रेस्टोरेंट है यहाँ पे अमरावती में जो ऐसा फूड सर्व कर रहे हैं। फ्यूजन फूड में जैसे आप बोल सकते हैं बटर चिकन रिसोटो है, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक है नहीं किसी के पास, पास्ता हो गया एक प्लेटिंग के साथ आएंगे अपने खाने। और क्या नई नई चीज़ें आपके? बहुत सारे बर्गर्स है, बर्गर्स का फ्लेवर्स भी है यहाँ पे, स्पिनच हो गया, लाइक चॉकलेट बर्गर भी है, बर्गर भी है। एक बार आए यहाँ और ट्राई करें एक बार फूड, आई थिंक उनको खाना बहुत अच्छा लगेगा। पिछले दिनों अकाली बारिश के कहर से जिले में हजारों हेक्टर पर खड़ी फसल के नुकसान को लेकर जिले के सांसद आनंदराव अड़सुल ने प्रति हेक्टर 50,000 रुपए मुआवजे की मांग की है। इस संदर्भ में सांसद आनंदराव अड़सुल के नेतृत्व में अनेक शिवसैनिकों की उपस्थिति में स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय में राज्य के वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बीते 11 फरवरी को जिले भर में हुई अकाली बारिश से चांदूर बाजार, अचलपुर, दरियापुर के 48 हेक्टर से अधिक क्षेत्र की खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी है। पहले ही बोन इल्ली के प्रभाव से जिले भर के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं बीते 11 फरवरी को हुई अकाली बारिश ने जिले के नुकसानग्रस्त किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस को अमरावती जिले में श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा जगह जगह मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। गुरुकुंज मोझरी में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज शिक्षण एवं आरोग्य प्रसारक मंडल द्वारा संचालित वाडेकर नेशनल स्कूल में मातृ पितृ पूजन का भाव भरा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर छात्रों के हाथों उनके माता पिता का विधिवत पूजन करवाया गया। संस्था के सचिव डॉक्टर रघुनाथ वाडेकर ने भी अपने पिता एवं संस्था के अध्यक्ष भावरावजी वाडेकर तथा माता का पूजन किया। इस अवसर पर मुख्य अध्यापिका हीना बाटविया, प्रीति खेड़कर, अंजू केकाड़े, शारदा फुले आदि शिक्षिकाएं एवं श्री योग वेदांत सेवा समिति अमरावती के सचिव मानव बुद्धदेव, भूतपूर्व अध्यक्ष दयाराम राठौड़, श्रीश कुलकर्णी, पुरुषोत्तम लाडवीकर आदि उपस्थित थे। इसके अलावा दरियापुर में श्री योग वेदांत सेवा समिति बाल संस्कार विभाग अमरावती के अनिल पंजवानी, प्रकाश चौहान एवं भारती मानेकर द्वारा कुल 5 विद्यालयों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम लिया गया। समिति के बाल संस्कार प्रभारी राजीव झामरे एवं विजयराव पांडे के मार्गदर्शन में अमरावती के वनिता समाज प्राइमरी स्कूल में भी कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। वनिता समाज अध्यक्षा श्रीमती दिवाले, मुख्याध्यापिका श्रीमती काले के अलावा नगर सेवक सारसकर भी विशेष रूप से उपस्थित थे। अमरावती के बापू कॉलोनी में श्री योग वेदांत सेवा समिति के अर्जुन चांदवानी ने परिसर के लोगों को आमंत्रित कर विशाल कार्यक्रम संपन्न किया। इसमें समिति के नंदलाल तरडेजा ने पूजन विधि संपन्न करवाई। इस तरह 14 फरवरी को श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा जिले के अलग अलग स्थलों पर मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ।